सिकल सेल एनीमिया अभियान के तहत सरकार के सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की हैदराबाद शाखा ने नागपुर नगर निगम को सीएसआर सिकल सेल रिसर्च सेंटर संचालित करने की अनुमति दी। इस संबंध में बुधवार को महापौर दयाशंकर तिवारी और सिकल सेल नोडल अधिकारी डॉ. दीप्ति जैन ने पांचपावली प्रसूति अस्पताल में सीएसआईआर सिकल सेल अनुसंधान केंद्र के लिए स्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजय चिलकर, आशीनगर अंचल के सहायक आयुक्त अभिजीत बाविस्कर, अपर सहायक चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. विजय जोशी, उपाध्यक्ष महाराष्ट्र चिकित्सा परिषद डॉ. विंकी रुगवानी, अंचल स्वास्थ्य अधिकारी आशीनगर अंचल दीपांकर भीवगढ़े, पांचपावली प्रसूति अस्पताल प्रभारी डॉ. संगीता खंडेत, डॉ. पुरी, डॉ. वागमारे आदि भी मौजूद थे। सीएसआईआर सिकल सेल अनुसंधान केंद्र सीएसआईआर नागपुर निगम और एसएमएम की देखरेख में है। मेयर ने बताया कि आई वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट नागपुर उनके द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि उत्तरी नागपुर में सिकल सेल रोग के अधिक मरीज पाए जाते हैं, तो यहाँ के नागरिकों को इस सिकल सेल अनुसंधान केंद्र से लाभ होगा। शहरी नहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्क्रीनिंग कर सिकल सेल का निदान किया जाएगा। महापौर दयाशंकर तिवारी ने कहा कि सिकल सेल अनुसंधान केंद्र में सिकल सेल रोगियों के लिए सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी, बीसीएन न्यूज़ नागपुर।